माधवपुर गांव में रहते थे दो जिगरी दोस्त, किशन और संतोष। संतोष के पिता रईस थे, उनका अच्छा खासा व्यापार था, और किशन के पिता एक सब्जी वाले थे जो बाजार में एक छोटी सी दुकान पर सब्जी बेचा करते। संतोष और किशन हमेशा साथ रहते और अपनी हर एक बात को एक दूसरे के साथ शेयर करते। ऐसे ही दोनों की दोस्ती चलती रही और समय गुजरता गया। अब संतोष और किशन बड़े हो गए, अब उन पर परिवार की जिम्मेदारियां आ गई। संतोष के पिता उसके लिए बड़ा कारोबार छोड़ गए थे, पर किशन इतना खुश नसीब कहाँ था, वह अपने पिता की तरह ही सब्जी बेचा करता था। किशन गरीब जरूर था, पर हिसाब किताब में काफी तेज था।